ओम शांति। 14 अगस्त 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। आज की मुरली के 7 मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेविन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सत्यों की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेविन कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। तीसरा पॉइंट, बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है तो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। चौथा पॉइंट, बाबा कहते हैं, यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कॉरोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वे वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। पांचवा पॉइंट, बाबा है पांडवों का सिरमौर। कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब की सब आत्माएं जाएंगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना। छठा पॉइंट, मीठे बाबा कहते, शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स। मैं ब्राइडग्रूम आया हूँ सबको ले जाने, तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। सातवां पॉइंट, प्यारे बाबा समझाते हैं, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत अर्थात पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा जो कुछ हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए हैं, अब इस पराए देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले आऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए,
बाप जब की आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, ख़ास जबकि इस पराए देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेविन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब हैं। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। श्री बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब हैं ऑल ब्रदर्स, तो हर एक चित्र में हर एक लिखत में ये ज़रूर लिखना है। श्री बाबा ऐसे समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेविन कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म हैं उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म है, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को ख़त्म कराता हूँ, ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, चित्र तो देने पड़े ना। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया, परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सत्युग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो, सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वे तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेविन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए
ये अभी तुम जानते हो, और किसकी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि ये देवता ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वे सुनेंगे नहीं, जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं, तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अल्प काल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीप माला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कॉरोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वे वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति, खुद यहाँ प्रेजेंट है ना, मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा, ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, ये तो उनका रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है, भल अपना भी चित्र दो ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला। योग बल से हम ऐसे बनते हैं, ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाएं, उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे यहाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। अब देवता कौन ठहरे, देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिज्म तो है ना, तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं, चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं, और सब धर्म स्थापन करने आते हैं, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं, होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में, कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है,
उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसी ऐसी अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल हैं। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना, कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो ज़रूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वे अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए, बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज़ आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वे तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है, पांडव सेना को भी समझते नहीं हैं। बाबा है पांडवों का सिरमौर, कहते हैं हे बच्चे, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब की सब आत्माएं जाएंगी, जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़े सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइडग्रूम आया हूँ सबको ले जाने। तुम छी छी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे है, समझते हैं हम, जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। पापात्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वे भी पापात्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं, हमें अपार खुशी का
खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान। कल्प कल्प के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। स्पष्टीकरण। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।